अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद उस्मान बशीर और आप देख रहे हैं skunsr.com का यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 70K बजट गेमिंग पीसी बिल्ड लेके आए हैं। इसके अंदर जो जो कंपोनेंट हमने यूज़ किए उसके बारे में बताएंगे और इनकी प्राइस अपडेट भी आपको वीडियो में आगे चल के बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें। तो चलते हैं जी आज की 70K बजट गेमिंग पीसी बिल्ड की तरफ। इसमें जो जो कंपोनेंट हमने यूज़ किए हैं सबसे पहले उसके बारे में आपको बताता चलूं तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इसके प्रोसेसर की। जो इस बिल्ड के अंदर हमने प्रोसेसर यूज़ किया है वो हमने i7 थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है। 3770 प्रोसेसर है, 3770 प्रोसेसर का मॉडल है जो हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है। नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके मदरबोर्ड की। जो इस बिल्ड के साथ हमने मदरबोर्ड यूज़ किया है वो 2 रैम स्लॉट में हमने मदरबोर्ड यूज़ किया है। MSI का H61 मदरबोर्ड है। 4 SATA ड्राइव लगने की ऑप्शन है और 8GB तक का कोई भी ग्राफिक कार्ड आप इसके अंदर जो है वो लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इसके अंदर ड्राइव्स की। तो इसके अंदर हमने जो है 128GB SSD इस बिल्ड के साथ यूज़ की है और इसी तरह इसके साथ हमने 500GB की HDD इस बिल्ड के साथ यूज़ की है, 100% हेल्थ और 7200 RPM वाली। नेक्स्ट बात करेंगे इसके PSU की। जो इस बिल्ड के साथ हमने PSU यूज़ किया है वो 500 वॉट की PSU हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है 80+ ब्रॉन्ज में। और इसी तरह इसके साथ जो हमने केस यूज़ किया है इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, एक हमारे पास एक्सट्रैक में और एक हमारे पास जो है वो बूस्ट में वुल्फ गेमिंग केस हमारे पास जो है वो अवेलेबल हैं। अच्छा, इसके अंदर हमने एक्सट्रैक का गेमिंग केस यूज़ किया है विद 4 RGB फैन है, 3 फैन फ्रंट पे, एक इसकी बैक साइड पे है। टोटल 4 RGB फैन है, फ्रंट और साइड इसका टेम्पर्ड ग्लास है। फुल ATX ये जो है वो केस है। इसके अंदर आप जो है वो ATX मदरबोर्ड भी जो है वो लगा सकते हैं। इस केस की प्राइस भी आपको आगे चल के बताऊंगा कि 4 फैन के साथ इसकी क्या प्राइस मिलेगी। और लास्ट पे हम बात करेंगे इसके ग्राफिक कार्ड के। जो इस बिल्ड के साथ हमने ग्राफिक कार्ड यूज़ किया है वो हमने सफायर नाइट्रो में स्पेशल एडिशन RX 590 8GB 256 बिट ग्राफिक कार्ड इस बिल्ड के साथ जो है वो यूज़ किया है। फ्रेंड्स, ये थी 70K बजट गेमिंग पीसी बिल्ड की स्पेसिफिकेशन। अब इनकी प्राइस अपडेट आपको बताता चलूँ तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्रोसेसर की। जो इस बिल्ड के साथ हमने प्रोसेसर यूज़ किया है वो हमने i7 थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है। 3770 प्रोसेसर है इस बिल्ड के अंदर। जो प्रोसेसर हमने यूज़ किया, जो उसकी प्राइस हमने ऐड की है वो 9000 ऐड किया। और इसी तरह H61 मदरबोर्ड हमने MSI में 2 रैम स्लॉट वाला इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है। उसकी जो प्राइस हमने ऐड की है वो 4500 हमने इस बिल्ड के साथ जो है वो ऐड की है। नेक्स्ट बात करेंगे हम इसकी जो है वो ड्राइव्स की। तो इसके अंदर हमने जो SSD यूज़ की है वो हमने इस बिल्ड के साथ जो है वो 128GB SSD यूज़ की है 3K में। और जो इसके अंदर हमने SATA ड्राइव यूज़ किया 500GB की वो हमने 2000 में इस बिल्ड के साथ यूज़ की है। यहाँ पे रैम्स में मिस कर गया था तो रैम्स के बारे में बताता चलूँ कि इसके अंदर हमने 8GB रैम यूज़ किया, 4 GB की 2 स्टिक हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ की हैं। रैम की जो प्राइस हम इस बिल्ड के साथ ऐड करेंगे वो 3K यानी कि 3000 में हम इस बिल्ड के साथ जो वो ऐड करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे इसकी जो PSU है 500 वॉट की PSU हम इस बिल्ड के साथ यूज़ करेंगे। उसकी जो प्राइस हम इस बिल्ड के साथ ऐड करेंगे वो 5000 हम इस बिल्ड के साथ जो है वो ऐड करेंगे। केस की बात करें तो इस बिल्ड के साथ जो हम एक्सट्रैक का गेमिंग केस इस बिल्ड के साथ यूज़ कर रहे हैं 4 RGB फैन के साथ, फ्रंट और साइड टेम्पर्ड है, ब्लैक कलर में गेमिंग केस ऐड करेंगे वो हम 14K यानी कि 14000 रुपये में हम इस बिल्ड के साथ जो वो ऐड करेंगे। लास्ट पे बात करेंगे इसके ग्राफिक कार्ड की। जो इस बिल्ड के साथ हम ग्राफिक कार्ड यूज़ करेंगे सफायर नाइट्रो में स्पेशल एडिशन RX 598 GB 256 बिट ग्राफिक कार्ड है। इसकी जो प्राइस हम ऐड करेंगे वो 30K यानी कि 30000 रुपये हम इस बिल्ड के साथ यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी स्पेसिफिकेशन 70K बजट गेमिंग पीसी बिल्ड की और प्राइस अपडेट। अगर आप ये बिल्ड या इसके अलावा कोई बिल्ड बाय करना चाहते हो तो नीचे स्क्रीन पे हमारा नंबर शोर है, वहाँ पे जाके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। या इसके अलावा अगर आप हमारा स्टोर विजिट करना चाहते हैं तो आप हमारे स्टोर पर भी आके जो है वो बाय कर सकते हैं। बाकी इनकी वारंटी की बात करें तो इनकी वारंटी आपको जो है वो 15 दिन की मिलेगी, जिसमें डेड और बन के अलावा तमाम आर्टिफैक्ट्स की वारंटी होगी। और जो है वो आप 15 दिन के अंदर ही क्लेम करवा सकते हैं। 15 दिन जो है वो आप अपने माइंड में रखा करें, इसके बाद जो है वो वारंटी क्लेम नहीं हो सकती क्योंकि हमारे पास भी वारंटी पीरियड ख़त्म हो जाता है। शिपिंग की बात करें तो शिपिंग इसकी ऑल ओवर पाकिस्तान में, पाकिस्तान के किसी भी कोने, किसी भी जगह और किसी भी सिटी में जो है वो आप इसकी शिपमेंट मंगवा सकते हैं। शिपिंग कॉस्ट आपने पे नहीं करनी, वो हमारी तरफ से जो है वो आपको मजीद डिस्काउंट होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी 70K बजट गेमिंग पीसी बिल्ड की वीडियो। अगर आपके वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसके नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मुझे नहीं, फिर इजाज़त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्टेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़।